अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पीटीआई रहनुमा तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और दीगर की इलेक्शन नतीजे के मुसद्दिका दस्तावेजात वसूली के लिए दायर दरख्वास्तों पर पेशावर हाईकोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजारों को तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म दे दिया है। पीटीआई रहनुमा तैमूर झगड़ा, कामरान बंगश और दीगर की इलेक्शन नतीजे के मुसद्दिका दस्तावेजात वसूली के लिए दायर दरख्वास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली शाह से। जी कामरान अली शाह, तफसीलात बताइएगा समाअत की। जी शुक्रिया। ये पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें यह इस्तदा की गई थी कि फॉर्म 43 और 47 की जो मुसद्दिका अनुकूल है वो उम्मीदवारों को फराहम की जाए। और आज भी इस हवाले से जब समाअत हुई तो वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि हम कभी इलेक्शन कमीशन जाते हैं तो कभी आरओ के दफ्तर, लेकिन कहीं से भी हमें जो मुसद्दिका नकूल है वो फराहम नहीं की जा रही है। जिस पर जस्टिस सईद अरशद अली ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि इनको मुसद्दिका अनुकूल की कॉपी कौन देगा। इलेक्शन कमीशन रूल्स के मुताबिक ये दस्तावेजात जो है इलेक्शन कमीशन फराहम करेगा, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ये आरओ ऑफिस में भी दरखास्त दे सकते हैं और इलेक्शन कमीशन भी इनको ये बहुत शुक्रिया कामरान अली शाह।